हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम ना ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी सीख रहे थे। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने हमारा टॉपिक कंप्लीट किया था IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पिछली क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। हमने देखा था इसमें चार ट्रांजिशन होते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार और एन टू पाई स्टार। आज हम देखने वाले हैं सिलेक्शन रूल, इन ट्रांजिशन के क्या सिलेक्शन रूल होते हैं, उसके बाद में इंटेंसिटी की शिफ्ट क्या होती है, ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, क्रोमोफोर क्या होते हैं, ये सब आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो जो सबसे पहला सिलेक्शन रूल हमारा है वो ये है, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। डेल्टा एस हमारा क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। यानी देखो, ये एक एनर्जी लेवल है सिग्मा और ये है सिग्मा स्टार। यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रही है, यानी ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इस तरह, एक यहाँ एक यहाँ। तो देखो डेल्टा एस, ये जो एक इस तरह से इलेक्ट्रॉन रहता है जिसकी अप स्पिन रहती है, उसके लिए एस की वैल्यू रहती है प्लस हाफ, और जिसकी स्पिन डाउन रहती है ऐसे इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एस की वैल्यू रहती है माइनस हाफ। तो ये प्लस हाफ माइनस हाफ एक दूसरे को कैंसिल कर देते और डेल्टा एस क्या रहता, हमारा ज़ीरो रहता। अपना डेल्टा एस ट्रांजिशन होने के बाद चेंज नहीं होनी चाहिए, एस की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अभी देखो ये यहाँ प्लस वन है, इसकी स्पिन ऐसे ही है, स्पिन यानी माइनस हाफ, प्लस वन माइनस हाफ कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरो। पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो है, यानी डेल्टा एस दोनों का क्या है, दोनों का डिफरेंस सेम ही है। अगर देखो ये स्पिन ऐसी थी, अगर ये ऐसी हो गई ट्रांजिशन के बाद, तो ये देखो इसकी प्लस हाफ और इसकी भी वैल्यू क्या रहेंगी, प्लस हाफ, प्लस हाफ, प्लस हाफ क्या हो जाएंगे, इसकी वैल्यू प्लस वन। तो पहले एस की वैल्यू जीरो थी, अब वन आ रही है, यानी डेल्टा एस हमारा क्या है, ज़ीरो नहीं है। डेल्टा एस क्या होगा हमारा, वन माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू वन। इसलिए डेल्टा एस ज़ीरो नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिशन क्या होंगी, फॉरबिडन होंगी, यानी अलाउड नहीं होंगी। यानी जो ट्रांजिशन देखो अलाउड होती है, सिलेक्शन रूल का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारे ट्रांजिशन हो रही है इनकी वजह से हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा या नहीं, हमें इनका सिग्नल मिलेगा या नहीं। अगर इनका सिग्नल मिलेगा, हमें इसका पीक मिलेगा, मतलब वो ट्रांजिशन हमारी अलाउड है। ऐसी ट्रांजिशन जिनका हमें कोई सिग्नल नहीं मिलता, उनको हम क्या बोलते हैं, वो क्या होती है, फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो क्या कंडीशंस रहती है हमारे, क्या सिलेक्शन रूल मतलब क्या कंडीशन रहती है स्पेक्ट्रा के लिए। तो पहली तो क्या कंडीशन है, डेल्टा एस शुड बी ज़ीरो, इसी को हम बोलते हैं कि सिलेक्शन रूल है। यानी कौन सी ट्रांजिशन को हम सिलेक्ट करेंगे और कौन सों को नहीं करेंगे, जो सिलेक्ट होंगे उनको बोलते हैं अलाउड और जिनको सिलेक्ट नहीं करेंगे उनको बोलते फॉरबिडन। तो ये होता है हमारा सिलेक्शन रूल। अपना जो सेकेंड सिलेक्शन रूल है वो है हमारा सिमेट्री, सिमेट्री सिलेक्शन रूल। सिमेट्री में क्या रहता है, एल शुड बी डेल्टा एल इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। अब ना ये क्या होता है, देखो चार हमारे ऑर्बिटल रहते हैं एस पी डी एफ। एस के लिए एल की वैल्यू रहती है ज़ीरो, एल इज इक्वल्स टू वन, पी के लिए एल इज इक्वल्स टू टू, डी के लिए एल इज इक्वल्स टू थ्री, एफ के लिए। अब ये जो एस रहता है ये रहता है जीरेट, ये रहता पी अनजीरेट, फिर से जीरेट, फिर अनजीरेट, अनजीरेट, जीरेट, अनजीरेट, डी रहता जीरेट, एफ रहता अनजीरेट। तो हमें क्या कहता है सिमेट्री ट्रांजिशन रूल के, जीरेट टू अनजीरेट ट्रांजिशन हमारी पॉसिबल है, अनजीरेट टू जीरेट हमारी ट्रांजिशन क्या है, अलाउड है। बट जीरेट टू जीरेट और अनजीरेट टू अनजीरेट हमारी ट्रांजिशन क्या है, फॉरबिडन है। जीरेट टू अनजीरेट, अनजीरेट टू जीरेट ट्रांजिशन अलाउड रहती है। यानी देखो ये एस टू पी, एस टू पी ट्रांजिशन अलाउड रहती है, पी टू डी अलाउड रहती, डी टू एफ अलाउड रहती है, और एफ टू डी भी अलाउड रहती है, यानी अनजीरेट टू जीरेट इस तरह से इनवर्स भी अलाउड रहती। लेकिन एस टू डी अलाउड नहीं रहता। इसका मतलब क्या है, देखो ज़ीरो है वैल्यू, ये प्लस वन हो रही है, डेल्टा एल क्या आएगा, वन माइनस ज़ीरो प्लस वन हमारा, तो ये ट्रांजिशन अलाउड है। वन टू टू में क्या आएगा, डेल्टा एस टू माइनस वन वन, टू से वन में क्या आएगा, देखो वन टू टू क्या आएगा, वन माइनस टू माइनस वन,
टू टू वन, टू माइनस वन, प्लस वन, यानी प्लस वन भी अलाउड है, माइनस वन, यानी यहाँ से यहाँ भी ट्रांजिशन अलाउड है और यहाँ से यहाँ भी, पी से डी में भी और डी से एफ में भी था। लेकिन देखो जीरो से टू में, एस से डी में ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। एस की वैल्यू कितनी है, एल की जीरो, और डी के लिए कितनी है, टू टू माइनस जीरो, डेल्टा एल हमारा क्या हो जाएगा, टू। हमें डेल्टा एल क्या चाहिए, प्लस माइनस वन, यानी एस टू पी में अलाउड है, पी टू एस में अलाउड। एक छोड़कर, यानी ये पी छोड़कर डी में इस तरह से ट्रांजिशन अलाउड नहीं होती। इसी तरह पी टू एफ, डी छोड़कर ये ट्रांजिशन भी अलाउड नहीं होगी। जिनके लिए डेल्टा एल प्लस माइनस वन है वो हमारी ट्रांजिशन क्या होती है, अलाउड होती है। तो ये होता है हमारा सिमेट्री सिलेक्शन रूल। उसके बाद हमने क्या देखे थे, चार ट्रांजिशन हमारे होते हैं। कौन कौन से चार ट्रांजिशन हमारे रहते, पहला रहता सिग्मा टू सिग्मा स्टार, दूसरा रहता पाई टू पाई स्टार, तीसरा रहता एम टू सिग्मा स्टार, एम टू पाई स्टार, चौथा रहता एम टू सिग्मा स्टार। ये चार ट्रांजिशन। तो इसमें ये जो दो ट्रांजिशन रहते, ये सिमेट्री अलाउड रहते, सिमेट्री अलाउड। और ये जो दो ट्रांजिशन रहते, क्योंकि ये देखो सिग्मा क्या रहता है, जीरेट रहता है, ये क्या रहता है, अनजीरेट। और जीरेट टू अनजीरेट ट्रांजिशन हमारे सिमेट्री रूल के अकॉर्डिंग जीरेट टू अनजीरेट ट्रांजिशन अलाउड रहती है, इसलिए ये क्या रहती है, सिमेट्री अलाउड। पाई रहता अनजीरेट और पाई स्टार रहता जीरेट, तो अनजीरेट से जीरेट भी ट्रांजिशन अलाउड रहती है, इसलिए ये क्या रहती है, सिमेट्री अलाउड। और ये नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार पाई स्टार, ये क्या रहते हैं, सिमेट्री फॉरबिडन, सिमेट्री फॉरबिडन। यानी ये ट्रांजिशन हमारे, मतलब अब इसका मतलब क्या है सिमेट्री फॉरबिडन, कि ये अलाउड तो ये चारों ट्रांजिशन रहते हैं, यानी चारों के सिग्नल आएंगे इस तरह से, लेकिन ये जो रहते सिमेट्री अलाउड, इनकी इंटेंसिटी हाइड रहती। इंटेंसिटी क्या रहती है इसकी, हाई रहती। और जो ये वाले रहते इनकी इंटेंसिटी लो रहती। अब इसका इंटेंसिटी मतलब क्या, देखो ये एक पीक है मेरा आई आर का, इसकी इंटेंसिटी मतलब पीक की हाइट, इंटेंसिटी को हम बोलते पीक हाइट। तो इसकी इंटेंसिटी हाई रहती। अब ना ये जो रहते हैं ये सिमेट्रिक, इनकी इंटेंसिटी लोअर रहती। देखो पीक हाइट क्या है, कम है। ये जितनी ज्यादा इंटेंसिटी रहेंगे हमारी, उतनी ज्यादा क्या रहती, एप्सिलॉन वैल्यू रहती। तो एप्सिलॉन वैल्यू भी इसकी क्या रहती, हाई रहती। सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशन की इंटेंसिटी हाई रहती, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार सिमेट्री अलाउड रहती, इसलिए इनकी इंटेंसिटी हाई रहती। और जिनकी इंटेंसिटी ज़्यादा रहती वो क्या रहती, ज़्यादा कलर्ड ट्रांजिशन रहते। कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। और जिनकी इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है उनकी वेवलेंथ भी ज़्यादा रहती है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो जिनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होंगी उनकी वेवलेंथ भी ज़्यादा होंगी और एनर्जी उनकी क्या होंगी, कम होंगी। तो ये रहते हमारे सिग्मा टू इंटेंसिटी, इनकी क्या रहती है, हाई रहती है सिमेट्री अलाउड की, और सिमेट्री फॉरबिडन की इंटेंसिटी कम रहती। अब उसके बाद हम देखेंगे क्या रहते हैं, ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर। ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर, देखो जो क्रोमोफोर रहते ना, ये कोवेलेंटली अनसेचुरेटेड रहते, कोवेलेंटली अनसेचुरेटेड हो, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन बोलो आप उसको, या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कोई। तो देखो कोवेलेंटली अनसेचुरेटेड ग्रुप, यानी सी डबल बॉन्ड सी, या फिर सी डबल बॉन्ड ओ, या फिर एनओ टू। एनओ टू में भी एनए टू का स्ट्रक्चर क्या रहता है, एन डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस एन पॉन्ड।
NO2 ये सारे क्या है, कोवेलेंटली अनसेचुरेटेड। इनकी वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन होती है। तो इनको जो कोवेलेंटली अनसेचुरेटेड ग्रुप रहते हैं यानी जिनमें डबल बॉन्ड रहता है उनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर। जैसे ये है बेंजीन, ये क्या है हमारा क्रोमोफोर है, इसमें क्या है सी डबल बॉन्ड सी है। ये है हमारा एसीटोन, ये क्या है हमारा इसमें सी डबल बॉन्ड और ये क्या है क्रोमोफोर है, यानी कोवेलेंटली अनसेचुरेटेड रहते। और ऑक्सोक्रोम क्या रहते, ये कोवेलेंटली सेचुरेटेड रहते, सेचुरेटेड सेचुरेटेड ग्रुप विच वेन अटैच्ड टू attached to chromophore change their intensity and medium। intensity and medium अब ना ये क्रोमोजोर क्या रहते, सेचुरेटेड ग्रुप रहते, NH2 OH Cl माइनस, ये सब क्या है, ये ऑक्सोक्रोम। देखो सेचुरेटेड यानी जिसमें डबल बॉन्ड नहीं रहता, और क्रोमोफोर क्या रहते हैं जिनमें डबल बॉन्ड रहता, और इसमें ऑक्सोक्रोम में क्या रहते हैं, डबल बॉन्ड नहीं रहता। तो ये जब क्रोमोफोर के साथ अटैच करेंगे हम, यानी ऑक्सोक्रोम को क्रोमोफोर के साथ अटैच करेंगे, तो इंटेंसिटी हमारी बढ़ जाएंगी। देखो ये एक है मेरा क्रोमोफोर बेंजीन, इस पे मैंने लगाया एनिलीन, यानी क्रोमोफोर पे मैंने क्या किया, NH2 क्या है हमारा ऑक्सोक्रोम है। देखो ये इलेक्ट्रॉन रिच रहते, देखो सबके पास क्या है लोन पेयर प्रेजेंट है, नेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज है, यानी क्या रहते इलेक्ट्रॉन रिच रहते। उसके बाद में ना ये इनके पास कोई डबल बॉन्ड नहीं रहता, सिंगल बॉन्ड रहता है, यानी ये कैसे रहते, सेचुरेटेड। और जब हम इनको क्रोमोफोर के ऊपर यानी ये सी डबल बॉन्ड सी के ऊपर अटैच करेंगे यानी या फिर कोई भी क्रोमोफोर पे, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अब ना देखो ये है बेंजीन और ये इस बेंजीन पे मैंने लगाया NH2, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएंगी। इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएंगी इस वाले केस में, क्योंकि इस पे मैंने ना ऑक्सोक्रोम लगाया, और ऑक्सोक्रोम जब हम क्रोमोफोर से अटैच करते तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती, बढ़ जाती। तो इसलिए इस पे ऑक्सोक्रोम लगा है, इस पे ऑक्सोक्रोम नहीं लगा, तो इस वाले क्रोमोफोर की क्या आएंगी, फिर इंटेंसिटी कम आएंगी। तो ये होते हैं ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर। अब उसके बाद ना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं नेट में और गेट में, वो हम सीखने वाले हैं। ये तो अभी तक हमने जो कुछ भी देखा ना, ये बेसिक इंट्रोडक्शन में ही था। इस पे से नेट में और गेट में क्वेश्चन नहीं आते, जनरली क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से आते हैं, इंटेंसिटी शिफ्ट से। इंटेंसिटी शिफ्ट ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया अभी, अब देखो इंटेंसिटी शिफ्ट। तो ये एक है मेरा यूवी का स्पेक्ट्रा, ये क्या है इसकी पीक हाइट, पीक हाइट, पीक हाइट को ही हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। जितनी ज़्यादा पीक की हाइट रहेगी उसकी क्या रहेगी, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी। और ये है इसकी वेवलेंथ इस डायरेक्शन, जितना ज़्यादा मतलब आगे वेवलेंथ पे, यानी इस साइड अगर पीक आ रहा है यानी हायर वेवलेंथ पे हमारा पीक आ रहा है, इधर अगर पीक आ रहा है तो क्या है वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। तो ये है वेवलेंथ और ये है हमारी इंटेंसिटी, वाई एक्सिस पे क्या है इंटेंसिटी, एक्स एक्सिस पे है वेवलेंथ। तो अगर मैं वेवलेंथ इंक्रीज करती हूँ यानी पीक मेरा ऐसे ज़्यादा वेवलेंथ का, अगर हमारे देखो सिग्नल की हमारे पीक की वेवलेंथ नहीं इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, तो उसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट किसको बोलते हैं, जब हमारे पीक की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है यानी पीक हाइट बढ़ रही, तो उसको बोलेंगे हाइपरक्रोमिक। जब पीक हाइट कम हो रही, पीक हाइट कम हो रही नीचे की डायरेक्शन में जब आ रहा, तो इसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट।
देखो इंटेंसिटी बढ़ रही है यानी पीक ऊपर जा रहा, तो उसको क्या बोलेंगे हाइपरक्रोमिक, नीचे आ रहा है इंटेंसिटी कम तो हाइपरक्रोमिक, पीक की वेवलेंथ अगर बढ़ रही है तो उसको बोलते हैं हम पीक की, देखो वेवलेंथ अगर बढ़ रही है इस डिरेक्शन में, वेवलेंथ अगर बढ़ रही है तो उसको बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट कब होती है, ये जब वेवलेंथ हमारी इंक्रीज होती है, इसको रेड शिफ्ट भी बोलते हैं, रेड शिफ्ट। अब ना पीक की हाइट, अब देखो वेवलेंथ कम हो रही है यानी इस डिरेक्शन में हमारी पीक आ रही है इस डिरेक्शन, तो उसको बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, क्रोमिक शिफ्ट। इसी को ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, रेड शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट। याद कैसे रखेंगे, देखो वेवलेंथ इंक्रीज होती है इस डिरेक्शन में, मैं इस तरह से याद रखती हूँ, देखो ये पीक है मेरा, जब ऊपर की डिरेक्शन में इंक्रीज हो रही है तो हाइपरक्रोमिक, नीचे आ रहा है पीक इंटेंसिटी कम हो रही है तो हाइपोक्रोमिक, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो बैथोक्रोमिक, रेड बाथरूम, रेड बाथरूम। मैं इस पर से याद रखती हूँ ये रेड बाथरूम, यानी रेड शिफ्ट, जिसमें रेड राइट साइड पे यानी राइट वाला लैम्डा में लैम्डा इंक्रीज हो रहा है वेवलेंथ का, राइट साइड में क्या होंगी वेवलेंथ इंक्रीज होंगी, तो राइट फॉर रेड, राइट फॉर रेड, राइट फॉर रेड, यानी राइट साइड पे क्या होती है रेड शिफ्ट होती है, राइट साइड पे क्या होती है रेड शिफ्ट होती है, और रेड शिफ्ट को ही क्या बोलते हैं हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट, यानी रेड बाथरूम, रेड बाथरूम पे से मैं याद रखती हूँ कि रेड शिफ्ट को ही बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोल, इसमें लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होती है, वेवलेंथ बढ़ती है। और ये ब्लू हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जो बैक साइड पे आ रहा है, बैक साइड पे, देखो राइट साइड पे यानी राइट साइड पे रेड शिफ्ट, और जो बैक यानी पीछे की तरफ यानी पीछे साइड में, इसको अगर मैं आगे की साइड कंसीडर करूँ तो ये पीछे की साइड, तो इसको हम बोलेंगे ब्लू शिफ्ट, बी फॉर बैक, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बैक, बी फॉर ब्लू, इसको हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। और ब्लू शिफ्ट को ही और क्या बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक, इसमें लैम्डा क्या होती है डिक्रीज होती है। इस तरह से आप चार डिरेक्शन दे दो, ऊपर लिखो हाइपर, नीचे लिखो हाइप्सो, सॉरी हाइपो, राइट में बैथो और लेफ्ट में हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। देखो जो हमारी हाथ की जो बोरिंग होती है ना उसको क्या बोलते हैं हम हप्सी, उसको बोलते हैं हप्सी, हप्सी। तो मैं इस हप्सी पे से ब्लू हप्सी, ब्लू हप्सी पर से मैं याद रखती हूँ ब्लू हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ब्लू हप्सी, जो हाथ की जो बोरिंग होती है ना जिससे पानी आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं हप्सी, तो उस पे से हम याद रखेंगे ब्लू हप्सी मतलब ब्लू हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये चार पे ना क्वेश्चन आता है कि देखो इसमें ना जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होते, तो अब ना इसमें क्वेश्चन आता है कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में कौन सी शिफ्ट होती है, और बैथोक्रोमिक शिफ्ट में वेवलेंथ इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो बैथो में क्या होती है वेवलेंथ इंक्रीज होती है रेड बाथरूम पे, और ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट किस में होती है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, और ये वाली जो होती है देखो ये जो हाइपर और हाइपो वाले हैं ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बैथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एन टू पाई स्टार ये होती है ब्लू शिफ्ट, देखो ब्लू शिफ्ट जो हमारी जिसमें वेवलेंथ डिक्रीज होती है वो कायम होती है एन टू पाई स्टार, और पाई टू पाई स्टार कायम होती है जिसमें वेवलेंथ इंक्रीज होती है। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन दिस ट्रांजिशन। ओके थैंक यू।